नेक्स्ट हमको क्या करना है, सपोज हम 20 mm डायमीटर का बार यूज़ कर रहे हैं, तो अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि 20 mm डायमीटर के कितने नंबर ऑफ बार हमको यूज़ करना है। तो इसके लिए हम ये इसका निकाल लेंगे, तो 2060.9 एरिया ऑफ स्टिक अपॉन एरिया ऑफ बार, तो पाई बाई 4 × 20 स्क्वायर करने से आ रहा है हमारा 6.56, मतलब हम लोग कितने नंबर ऑफ बार यूज़ कर रहे हैं, 7 नंबर ऑफ बार। नेक्स्ट हमको क्या करना है, हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करना है। तो इसमें भी बहुत सारे जो क्राइटेरिया है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा, हमको इसमें इस इक्वेशन को फुलफिल करना होता है, 0.36 FCK/FY विदिन ब्रैकेट AG/AC-1, ये लेस देन एंड इक्वल टू होना चाहिए VH/VC। तो चलिए सबसे पहले हमको DC पता है, हमको कितना गिवन है क्वेश्चन में 450 mm, तो हम ग्रॉस एरिया निकाल सकते हैं पाई बाई 4 × 450 स्क्वायर करके। नेक्स्ट हम DC निकालेंगे, DC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, DG × 2 times ऑफ क्लियर कवर, तो 2 × 40 कर देंगे तो 450 - 80 = 370 mm। अब एरिया ऑफ कॉन्क्रीट हम निकाल लेंगे इससे पाई बाई 4 × 370 स्क्वायर। नेक्स्ट VC हम कैसे निकालते हैं, हमने पिछले डिज़ाइन स्टेप्स में पढ़ा हुआ है, 1000 × AC करने से हमारा VC वाइंड आउट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमको निकालना है VH, तो VH निकालने का फॉर्मूला होता है 1000/P×πDS×πY4×σH² स्क्वायर। अब DH निकालने के लिए क्या करेंगे, DC - YH करेंगे, ऑलवेज टेकन 8 mm पाई की वैल्यू, ऐसे हमने मेंशन किया है। अब 1000/P×π×362×πY4×8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 5716478.7/P। अब इस वैल्यू को हमको पुट कर देना है 0.36 वाले फॉर्मूला में, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमको यहाँ से क्या निकल जाएगा, पिच निकल जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, तो पिच की वैल्यू हमारी आ रही है 51.2 mm। अब हमको ये निकालना है कि इतना, अब हमको ये चेक करना है कि ये लाइज कर रहा है कि नहीं कंडीशन। तो सबसे पहले पी जो होना है विल बी नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन 75 mm, तो हमारा ऑलरेडी ये 51.2 है जो कि 75 mm से क्या है, कम है, ये सही है। फिर नेक्स्ट में हमारा ये क्वेश्चन रहता है DC/6 सिलाइज करना चाहिए, ये भी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन है, हेंस ओके। या फिर पी विल बी नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 3 सिग्मा का है, तो 3 × 24